दोस्तों, मैं कुलविंदर खंडा उर्फ कुलविंदर महे आपको मुखातिब हूँ। अपना प्यार भरा सलाम अर्ज करता हुआ आज अपनी अगली वीडियो आपकी नज़र कर रहा हूँ। वीडियो फिर मेरी जलंधर से ही है और फिर मैं जनाब राकेश राठौर जी, हमारे सीनियर क्रिकेटर, उनकी ही बात करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राकेश राठौर जी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि बीजेपी के अच्छे लीडर हैं, जलंधर के मेयर भी रहे हैं। मेयर का मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी। तो उसके बाद ये बीजेपी पंजाब में काफ़ी अच्छे पोस्ट होल्डर भी रहे हैं। आई थिंक ये महासचिव थे। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बीजेपी का एक ना नारा है मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोशो खरोश से वो चीज़ बोली थी और उस पर अमल करने को कहा था, मेक इन इंडिया। तो सभी बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी जो लोग हैं बीजेपी को बिलोंग करते, उन सभी ने इस चीज़ पे गौर किया और कोशिश करनी शुरू की कि मेक इन इंडिया अपनी प्रोडक्शन करें, जो भी बनाएं अपने देश में बनाएं। और चाइना जो है, जो हमारे देश के साथ बदतमीजी करता है, कह लो चाइना देश जो हर वक्त हमें थ्रेट करता है, धमकियां देता है, उससे हम कुछ भी नहीं लेंगे, उसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि राकेश राठौर जी उद्योगपति हैं, लेकिन इनके उद्योग में आज की डेट में भी बताने वाले बताते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट आता है और ये आगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल आउट करते हैं, उसको भेजते हैं। मतलब ये आज भी मेक इन इंडिया का नारा लगाते हैं, लेकिन डिपेंड ये चाइना के प्रोडक्ट पे करते हैं, इनके लोग बताते हैं। उससे अगली बात, क्रिकेट की बात कर रहा था, ये तो चलो राजनीति की बात है, मैंने एक वैसे आपको बता दी। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की बात में आपको मैं बताना चाहूँगा जी, जलंधर के दो शख्स ज्वाइंट सेक्रेटरी हरजिंदर सिंह हैरी, एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर सुरजीत राय, अब पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, पहले जलंधर के सेक्रेटरी थे, करता धरता थे। उनका बेटा और हरजिंदर सिंह हैरी का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। इन्होंने विड्रॉ इसलिए किया कि दोनों में बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं था, तो इन्होंने अपने बच्चों को विड्रॉ इसलिए कर लिया कि अगर आप ग्राउंड में रहोगे तो हम शायद अपने काम करने में वीक हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने बच्चों को खेलना बंद करवा दिया ताकि हम जो भी काम कर सकें या जो भी बात कर सकें उसको बड़े अच्छे ढंग से कर सकें और अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकें, अच्छी कोचिंग कर सकें या जो भी जिसकी ड्यूटी है। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिए। उसके एवज में जो इनका ग्रुप है राठौर साहब का, राठौर साहब के अपने बच्चे, सुरेश शर्मा के बच्चे, ठीक है, उसके बाद और दो चार नाम है मुझे याद नहीं जो खेल के बैठ चुके हैं घरों में, लेटेस्ट है समीर मेहरा का बच्चा जो हाईलाइट करने की हमेशा कोशिश की जाती है, दविंदर गुड़, दविंदर कालिया वैसे उनका नाम है, लोग प्यार से गुड़ बोलते हैं, उनका बच्चा है, एक आध बच्चा कोई और है। तो उनके पीछे इनका जोर लगा हुआ है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन रन कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है। तो जो लेटेस्ट अभी 20 बच्चे इन्होंने निकाले, क्योंकि जलंधर में 21-22 निकालने के लिए बच्चे बचे नहीं थे, प्लेयर बचे नहीं थे, 10-10 प्लेयर खेले थे वो प्रैक्टिस मैच। तो ये भी राठौर साहब ने कहा था कोई बात नहीं 10-10 से खिलाओ, क्योंकि टीम इनके घर पे बनी थी, तो इन्होंने 20 ही लड़के सेलेक्ट किए। तो अब बात ये है कि वहाँ पे जब मीटिंग हो रही थी तो कहते हैं कि राठौर साहब ने हाथ उठा के बात कही थी, हाथ उठा के ऐलान किया था कि दविंदर गुड़ का बच्चा वो खेलेगा ही खेलेगा, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, उसका कोई नाम नहीं डिस्कस करेगा, वो खेलेगा ही खेलेगा। ये राठौर साहब की जो है डिक्टेटरशिप, वो चलो जी लिख लिया गया नाम, अब वो टीम में भी आएगा, अभी तक आज के मैच तक उसने कोई परफॉर्म नहीं किया, और जिन्होंने परफॉर्म किया है मैं उनकी बात बताता हूँ कि अगर वो ना खेले गए, मैं सब सेलेक्टर जो है ना, ये आपका अजीत सिंह या समीर मेहरा है या दविंदर गुड़ है या कोई और एक आध मनदीप सिंह है, जो परफॉर्मर ना खेला, टीम में ना आया और
मैं कम से कम 100 बंदा उसके गेट पे बिठाऊंगा घर के सिलेक्टर के, हाय हाय करवाऊंगा शरेआम, मैं ऐलान कर रहा हूँ, ऐलानिया बात कर रहा हूँ। और ध्यान रख लेना ये टीम बनाते हुए, किसी ने आपको कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन अब सब बातें सड़क पे होंगी। किसी ने हिम्मत नहीं ना की आपको कुछ बोलने की, 20 साल से आप सिलेक्टर, अब मुझे बताना आप सिलेक्ट करके वो बच्चा जो परफॉर्म नहीं करता, और वो बच्चा बाहर बिठाना, फिर देखना आप ड्रामा क्या होता है। फिर आप सिलेक्टर तो लोकल ही हो ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जुलूस निकलता है, कैसे किसी के सेंटीमेंट से खेला जाता है, कैसे किसी की मेहनत, किसी के जज्बातों से खेला जाता है। ये जो आपने अंधाधुंध ये क्रिकेट खिलानी शुरू की हुई है ना जनाब राठौर साहब, अब कुलविंदर महे ऐलानिया बात कर रहा है, आप भी लीडर हो, आप भी ऐलानिया बात बहुत करते हो ना, मैं ऐलान करता हूँ ये है वो है, बड़ी डिक्टेटरशिप कर ली, अब छोड़िए इन बातों को। उससे अगली बात, सब एसोसिएशन होल्डर जो है, पोस्ट होल्डर जो, सब ने अपने बच्चे चेक किए, लेकिन जब किसी खिलाड़ी के बच्चे की बात आती है ना, इनके मुंह इतने इतने हो जाते हैं कि खेल ना जाए कहीं, इनको टेंशन पड़ी होती है। चलो वो भी बात अलग, उसके बाद की बात करते हैं, इनकी कारगुजारी, इनकी वर्किंग की बात करते हैं। इनकी एसोसिएशन जो है उसकी बात करता हूँ, इनके जो अपना लाइव एसोसिएशन चलाने का ढंग है वो क्या है सबको शायद पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है इन्होंने आज तक 33 साल में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई क्लब एफिलेटेड नहीं की आज तक। क्यों नहीं की? कि वोटिंग के अधिकार उनके पास चले जाएंगे, उनको वोटिंग का अधिकार देना पड़ेगा, और हम वो अधिकार किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि हमेशा की तरह, हर साल की तरह राकेश राठौर जो होगा वो टॉप पे होगा, वो राज करेगा जलंधर की क्रिकेट पे, पंजाब पीसीए में जाएगा, अपने ढंग की बातें करेगा। राकेश राठौर ने कभी स्कूल कॉलेज एफिलेटेड नहीं किए, ये जलंधर की एसोसिएशन है जिससे कभी स्कूल या कॉलेज एफिलेटेड नहीं हुए, जबकि एसोसिएशन का मतलब होता है जिन स्कूलों में क्रिकेट चलती है, गेम चलती है, वो एफिलेटेड होते हैं, उनके हर स्कूल की हर कॉलेज की एक वोट होती है, उसके पास वोटिंग पावर होती है। तो इन्होंने तो कभी इलेक्शन पब्लिकली करवाया ही नहीं, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि घर के ये 10-12 बंदे हैं जो 3 फाउंडर मेंबर वोटर हैं वो बैठे हैं, वो भी मैं आपसे मुखातिब करवा दूंगा या उनके भी नाम बता दूंगा या उनसे भी असलियत, वैसे तो वो लोग कोर्ट में इनका काम कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर एक कोर्ट केस है हाई कोर्ट में इनकी एसोसिएशन के ऊपर, जिसका अभी तक मेरा ख्याल इनसे जवाब दावा नहीं तैयार हुआ, 2 सितंबर है उसकी तारीख, तो मेरा ख्याल कोई वकील भी नहीं मिल रहा इनको, जो सुनने में आया 1-2 वकील जो हैं वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं वो पटिशन पढ़ के, पटिशन के हिसाब से इनके पास कुछ नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, एक अच्छे वकील ने इनको ये भी सलाह दी थी कि कोई भी कागज नकली बनाने की कोशिश मत करना, जो इंक है स्याही है वो चेक हो जाती है कितनी पुरानी है कितनी नहीं, कहीं इस चक्कर में ना रहना कि नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, ये भी इनको वकील वार्न कर चुका है। चलो उसके बाद आ जाएं जी इनकी कारगुजारी पे, ये तो स्कूल कॉलेजेस जो इग्नोर किए हैं इन्होंने। उसके बाद एक राठौर साहब ने रूल पास किया था, इनकी रहनुमाई में हुआ था, कि टीम उन्हीं प्लेयरों में से बनेगी जो बल्टन पार्क में प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्रिकेट को कैद कर लिया, क्रिकेट ट्रायल वही दे सकेगा जो बल्टन पार्क में खेलता है, इनके पास खेलता है, क्योंकि वो 2000 रुपया देता है, 3500 रुपया आज की डेट में इनकी साल की जो है जो स्टार्टिंग फीस है एडमिशन फीस, और 1800 रुपया महीने की फीस, 2000 रुपया GST या VAT जो भी है, 2000 रुपया पर बच्चा। और होता क्या है जी, इनको पता होता है घर बैठे सबको कि जी बच्चे कौन से सिलेक्ट करने हैं, घर बैठे हर एक को पता होता है 15 बच्चे वो करने हैं, जो सिलेक्टर्स हैं वो ग्राउंड में आते हैं, गॉगल्स लगा के आते हैं, टाइम के टाइम आते हैं, जाके राठौर साहब के घर बैठते हैं या इनकी फैक्ट्री बैठते हैं, 15 बच्चों के नाम फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कस किए जाते हैं, टीम बन गई जाओ खेलो। फिर इससे अगली बात और क्वालिटी वाली बात बताऊँगा,
क्वालिटी क्रिकेट कैसे चलाई राठौर साहब ने, कि टीम लेके कोई बंदा जा रहा है चाहे पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, कहीं भी, तो रात को उस बंदे को, उस कोच को फोन जाता था कि सुबह ये 11 लड़के खेलेंगे। ये बताइए कभी सुना? जैसे ये नहीं सुना आपने कि कोचिज के ऊपर भी एक इंचार्ज लगता है, इन्होंने लगाया हुआ है राठौर साहब ने। वो इंचार्ज की बात मैं अभी बताऊंगा, अभी आपको राठौर साहब ने जो इंचार्ज बनाया ना उनकी बात बताता हूँ। तो वो रात को टीम राठौर साहब बनाते थे, वो फिर एक बंदा आगे से फ़ोन करता था जो टीम के साथ मैनेजर कोच गया होता था, सुबह ये वाले 11 लोग खेलेंगे ये क्रिकेट। मैं प्रधान जी को भी बोलूँगा पंजाब के, कहीं इनके हाथ में क्रिकेट ना दे देना, कहीं इनको ये अथॉरिटी ना दे देना प्रधान जी कि ये क्रिकेट चलाएं। ये रात को जो भी बंदा साथ गया होगा उसको बताया करेंगे अपने घर बैठ के। ये राठौर साहब ही नहीं, इनके जो दो इंचार्ज हैं उनकी बात सुन लो, मैच चल रहा है ग्राउंड में, जो कोच है उसको इनका एक इंचार्ज जो घर पे बैठा है, वो विकेट ऐसा है, विकेट ऐसा है, ये स्पिनर जरूर उठाना है, स्पिनरों से बॉल करवाना, चौथा ओवर ही स्पिनर को डलवा देना, ये इनका इंचार्ज घर पे बैठा बोल रहा है। तो विकेटें कौन लेंगे? मीडियम पेसर। तो जो कोच हैं साथ में, मैं हंसता हूँ यार, वो क्यों अपनी, वो खेले हुए क्रिकेट, मैं उन पर भी हंसता हूँ कई बार कि यार लानत है आपकी खेली हुई क्रिकेट के ऊपर, कि आपको घर से कोई गाइड कर रहा है, उसको वो ना आ जा बैठ जा धूप से कि यहाँ पे कर कोचिंग, शौक है तो, मतलब ये क्वालिटीज हैं इनकी एसोसिएशन की। उसके बाद अगली बात पे चले, कारगुजारी की बात आई, अबरोल साहब, अरविंद अबरोल जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ, जब भी मिलते हैं मैं शरेआम बोलता हूँ, मैं आज भी उनके पाँव हाथ लगाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में सामान देना शुरू किया क्रिकेट का, मैं खेला उनके दिए हुए सामान से सारी क्रिकेट, और बड़ा प्यार करते हैं, मेरे उनसे घरेलू रिलेशन है। लेकिन वो एसोसिएशन जलंधर के खजानची हैं, कैशियर, ट्रेजरर, जो भी आपने बोला है। अब वो अपेक्स के मेंबर हैं पंजाब में, रिप्रेजेंट वो किए हैं कपूरथला से। आज की डेट में भी मुझे बताने वालों ने कहा है कि आज की डेट में भी वो चेक काट रहे हैं जलंधर के। अब ये कहाँ तक वाजिब बात है आप सब बता देना, कि चेक वो अगर जलंधर के काट रहे हैं कैशियर या ट्रेजरर, वो जलंधर के हैं, रिप्रेजेंट उन्होंने किया कपूरथला से पीसीए में आने के लिए, अपेक्स के मेंबर हैं। अगर पहली बात तो अगर अपेक्स के कोई मेंबर बन ही गया, पीसीए में चला ही गया, उसका तो डिस्ट्रिक्ट से कोई वास्ता ही नहीं, तो चेक कैसे कट रहे हैं, उनके साइन कैसे हो रहे हैं, ये लोगों की बात है। आप तक मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आप सब देखने वालों को पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रोग्रेस की बात करनी है ना, तो मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा हमारे अध्यक्ष गुप्ता जी उनकी, कि उन्होंने एक स्कीम की, छोटी सी, छोटा सा चेंज किया कि कोई माइनर डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, सब मेजर में खेलेंगे, चार ग्रुप बना दो, लीग खेलेंगे सब। तो रिजल्ट क्या सामने आया, कपूरथला, मोगा, जिसको कोई सोच नहीं सकता था कि कभी क्रिकेट में ये भी आएगा, पंजाब के क्रिकेट में ये भी शहर खेलने आएगा, कपूरथला और मोगा ने सीनियर क्रिकेट में फाइनल मैच खेला है। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट से सारी की सारी बाहर बैठ गई हार के, ये होता है रिजल्ट, ये होती है प्रोग्रेसिव क्रिकेट, इसको कहते हैं डिसीजन। तो हमारे यहाँ पे डिसीजन क्या है जी, वो खेलेगा ही खेलेगा, उसका कोई नाम नहीं लेगा, घर बैठे सिलेक्शन करवा रहे, जबकि उनका जलंधर से कोई वास्ता नहीं है राठौर साहब का। अच्छा चलिए, उससे अगली बात, ये अब सिलेक्शन की बात है, मैं कल परसों ही आपको बता दूंगा कि दोस्तों ये स्कोर बोर्ड मेरे पास पड़ा है, स्कोर शीट, ये बच्चों ने इनके प्रैक्टिस मैचों में रन किए हैं, तो ये टीम से बाहर हैं और ये अंदर हैं नॉन परफॉर्मर। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि जनाब आपका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा तजुर्बा होगा, लेकिन अब ऐसा ना करना, मैं सिलेक्टर से भी हाथ जोड़ के बेनती करूँगा, फिर ये ना करना कि कुलविंदर खंडा ने आपके घर के बाहर धरने लगवा दिए। बहुत पेरेंट्स दुखी हैं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपको, मुझे कम से कम 1,500 मैसेज आया है, उन लड़कों का भी मैसेज आया जिनको क्रिकेट छोड़े हुए 20-20 साल हो गए, उनके पास भी मेरी वीडियो गई और उन्होंने मुझे बकअप किया। कईयों ने ये बोला जी, सुन लो मैं सुना ही दूँ, कईयों ने ये बोला खंडेबाजी जहाँ पे 100-200 बंदे की ज़रूरत होगी 15 मिनट में खड़ा हो जाएगा, बता देना कहाँ पर आना है।
घबराना नहीं। कईयों ने ये बोला किसी प्रेशर में ना आना, कोई भी प्रेशर डाले हमें बताना, हम करेंगे। अच्छा, एक आवाज़ आई हल्की सी कानों में कि डेफामेशन, ये डेफामेशन डाल लेंगे जी खंडे पे। चलो डालो यार, मैं तो पहले कि मैंने हांडा जी को भी बोला था ये डाल देना यार डेफामेशन, देख लेंगे डेफामेशन होती क्या है। तो अगर अठौर साहब को भी लगे कि ऐसी कोई बात की है, मैंने तौहीन कर दी आपकी कोई झूठ बोल के, तो डेफामेशन डाल दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ कि यार ये डेफामेशन वगैरह की बातें जो करते हैं ना ये लोग, डरना मत, हम खड़े हैं। अगर डेफामेशन की बात आएगी जो भी खर्चा होगा खंडा हम करेंगे। अब ये आप लोग ये ना सोचना मुझे कोई पंप दे रहा है, मुझे कोई उठा रहा है, ये मुझे हौसला, मेरा हौसला बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे कोच साहब सरदार राजेंद्र सिंह जी, जिनकी मैं आज भी इज्जत करता हूँ, सुबह शाम उनसे मैं बात करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ, एज एन एज क्रिकेटर नहीं, मैंने उनसे बोलना सीखा है। मैंने कमेंट्री वो करते थे, देखता मैं था उनको, रेडियो टीवी वो करते थे, सुनता मैं था उनको, मैंने उनकी तरफ देख के मैं जुड़ा हुआ हूँ आज भी उस शख्सियत के साथ, मैंने बोलना सीखा है। तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि कुलविंदर खंडा, जिस आदमी की ज़ुबान पे सच होता है ना, उसके हाथों में बरकत और पैरों में क्रांति होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा ये यकीन है, मैंने उनकी बात यहाँ पे टिकाई हुई है अपने, कि सच बोलना है, जिसने रोक ना रोक ले, बोलूँगा एंड तक बोलूँगा, नहीं रोकूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर कोच साहब ने मुझे ये भी कहा हुआ है कि कुलविंदर महे, जब आदमी सच बोलता है ना, तो कुदरत जो है कि लोगों को ऑटोमेटिकली आपके पीछे ला के खड़ा कर देती है। मैं किसी को बुलाने नहीं गया जी, मैं किसी को कुछ कहने नहीं गया। जो जिन्होंने 20-20-30 साल हो गए क्रिकेट छोड़े ना, राठौर साहब आपके टर्म के बाद, वो भी बेचारे इतने दुखी, मैं तो हैरान हूँ उनके मैसेज पढ़ के कि ये लोग भी दुखी यार, इतनी दुनिया दुखी बैठी है राकेश राठौर के नाम से, क्या बात। मैं तो सोचता था यार शायद हम ही इनका शिकार थे, है? लेकिन बहुत दुनिया बैठी है, बहुत ज़्यादा दुनिया बातें कर रही है, और वो दुआएं नहीं दे रही राठौर साहब आपको। मैं सेंटीमेंट्स हैं मेरे, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं भावुक होकर बात कर रहा हूँ आपसे कि वो दुआएं नहीं देते आपको, बस दुआएं देते हैं। कहोगे तो मैं मैसेज पढ़ा दूँगा, ठीक है जी। बाकी रही बात आगे की, आगे और कुछ खुलासे करूँगा कि आपका क्रिकेट के साथ कितना प्रेम है, क्या क्रिकेट खिलाते रहें, कैसे अब आपका प्रोग्राम है, कितना आपको लालच है कि डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा जो डिक्टेटरशिप है कायम रहे और स्टेट में भी रहे, तो उसके बाद BCCI में भी रहे। सो मैम, अगर ये वीडियो जाता है मेरा कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है, बाहर की स्टेटों के कुछ ऐसे पुराने प्लेयर हैं जो इनको भी जानते रहे ठौर साहब को, सो उनको भी मैं बताऊंगा एक बार कि ये ऐसी क्रिकेट खिलाते हैं, रात को टीम बनाते हैं, यहाँ से दूसरे शहर में टीम गई है, सुबह ये टीम खेलेगी, घर में बैठ के टीम बनाते हैं, ये खेलेंगे, अब तो ऐलान करते हैं कि इसके बच्चे को कुछ नहीं बोलना, वो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि जगीर है ना इनकी, पर्सनल है इनकी प्रॉपर्टी वो। सो चलो दोस्तों, आगे फिर बातें करेंगे। बाकी राठौर साहब, गलत फहमी की बात आपकी मैं निकाल के रख दूंगा बाहर, आपके जितने चेले चांपटे हैं ना, जिनको आप 20-20 हज़ार रुपया दे रहे हो, किसी को 10 हज़ार दे रहे हो, किसी को ट्रेनर बना रहे हो, मैं दोस्तों बता दूं कि दो ट्रेनर, दो इंचार्ज, एक ग्राउंड इंचार्ज, क्या कोचों के ऊपर, कोचेस के ऊपर इंचार्ज, फिर ग्राउंड इंचार्ज, ग्राउंड इंचार्ज की इंचार्ज जो हैं जनाब अजीत सिंह जी, वो टाइम पता कितना देते हैं ग्राउंड में, महीने में 2 या 3 घंटे कुल मिला के, और AC में आके बैठते हैं, बाहर नहीं खड़े होते, AC रूम में बैठ जाते हैं। तो उनसे बात करो ना, तो वो ये बोलते हैं यार मेरे तो अपने बिजनेस से टाइम नहीं है, GNA कोई है उससे टाइम नहीं है, GNA से। सो दोस्तों ये बातें हैं, अभी बहुत बातें हैं, जलंधर की हिस्ट्री बहुत लंबी होने वाली है और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मैं उन लड़कों से जो खेल रहे हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं बच्चे, दम लगा के मेहनत करो, अच्छे ढंग से मेहनत करो, टाइम चेंज होने वाला है, टाइम चेंज होगा, आप सबको मौका मिलेगा, और ये जो ऑरा बना हुआ है ना इनका, ये ख़त्म है। मैंने कल पहली वीडियो में बोला था ये उल्टी गिनती शुरू है,
राणा नहीं, मेहनत करो, सिर्फ दो चार महीने ही लगेंगे, बहुत बड़ा चेंज आएगा अब जलंधर में क्रिकेट में, ये मेरा दावा है, दावा है, कॉन्फिडेंस है मेरा, जो कुछ जाता है चला जाए, लेकिन अब मैं जलंधर की क्रिकेट वैसी करके दिखाऊंगा जैसी 1986 से पहले थी। सब फ्री खेलेंगे, 2000 फीस नहीं कोई देगा, सब बच्चे फ्री खेलेंगे, एसोसिएशन प्रोवाइड करेगी, बहुत पैसा देती है पीसीए हर डिस्ट्रिक्ट को, तो फिर बच्चों से क्यों लिए जाते हैं, किस बात के लिए जाते हैं, अपने बंदों को किसी को बना दिया जी अपना ये ग्राउंड इंचार्ज है 20,000 दे दो, ये फलाना कोचिज का इंचार्ज है, कोचिज के ऊपर इंचार्ज है 10,000 दे दो, ये ट्रेनर है जी इसको दे दो, लुटाने के लिए, लोगों की मेहनत के पैसे हैं राठौर साहब, बहुत लुटा लिए और बहुत लूट लिया, बड़े बच्चे ले गए यहाँ पे, मेंबरशिप तक आपने कटवाई हुई है बीजेपी की ग्राउंड से बच्चों से, देवेंद्र कालिया जी आपके जो चहेते शगिर्द हैं जिसके बच्चे के लिए आप बड़ा खुल के बोलते हैं, उसने काटी नहीं है पर्चियाँ, लानत नहीं है, जब क्रिकेट चलाते हो कि पार्टी चलाते हो ग्राउंड में। सो शायद मेरी वीडियो लंबी होगी, सब बोर ना हो जाए, है तो इंटरेस्टिंग बातें, बोर होने वाली कोई बात नहीं, आगे की बातें मैं बाद में करूँगा, चलता रहेगा ये सिलसिला दोस्तों, अब मैं बताऊँगा कौन कहाँ पे खड़ा है, डोंट वरी। और छोटे बच्चों से फिर कहूँगा, खास करके जलंधर के, घबराना नहीं, मेहनत करो, टाइम चेंज होगा, आप सबको खेलने को मिलेगा, आप सब खेलोगे, अब क्रिकेट खुलेगी सबके लिए खुलेगी, मैं आपको बताता हूँ, मैं दावा करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।